मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में जहां बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू किया है, तो वहीं एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ दबंग एक महिला की पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां अपराधी और गुंडे पुलिस से कांपते हैं, मगर यह प्रतापगढ़ में कुछ दबंग एक महिला को जमीन पर पटक पटक कर उसके बाल पकड़कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कानून और पुलिस का इन दबंगों को जरा भी खौफ नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला के रोजी रोटी का जो जरिया है, यानी ये जो महिला ये दुकान चलाती थी गिमटी में, उस दुकान को दर्जन भर दबंग मिलकर गिरा रहे हैं। हालांकि इस गिमटी को गिराते वक्त ये महिला भी वहां पहुंची और इसने अपनी गिमटी गिराने से इन दबंगों को रोकने की कोशिश की, मगर ये दबंग महिला के साथ मारपीट करने पर उतर गए। बीच बचाव में बेटी भी आई और इस बेटी के साथ भी मारपीट किया गया, यानी कि जो महिला थी उस महिला की एक बेटी अपनी मां को पीटते हुए जब देखी तो वो भी बीच बचाव के लिए आई थी, मगर दबंगों ने उसे भी पीट दिया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए ये दबंग किस तरह से इस महिला के बाल पकड़ कर खींच रहा है, मगर जब इसकी नज़र कैमरे पर पड़ती है कि जो वो हरकत कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर ये दबंग उस महिला के बाल को छोड़ देता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, मगर जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पुलिस का भी बयान सामने आ गया। सुबह लगभग 8:30 बजे कस्बा मानहता में दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष पप्पू गुप्ता आदि व दूसरा पक्ष अनिल कुमार सोनी आदि के मध्य आबादी की जमीन पर गुमटी को रखने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद से संबंधित एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित किया गया। आज की घटना से संबंधित उभय पक्षों के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। पुलिस का कहना है कि दो पक्षों में ये विवाद हुआ है और आबादी वाली जगह पर गिमटी रखने को लेकर ये विवाद हो गया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने गुना भी दाखिल किया है, लेकिन सवाल उठता है कि एक महिला और उसकी बेटी के साथ जिस तरह से इन दबंगों ने मार किया है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।